सब्सक्राइब कीजिए इन टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरे पास आ चुका है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन। आज इस वीडियो में हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स हमें क्या कुछ मिलता है और जियो हमारे लिए इसमें क्या कुछ नया लेके आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल। दोस्तों बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स मिलता है। ऊपर जियो का लोगो दिया गया है, नीचे लिखा है डिजिटल लाइफ और साइड में इन्होंने ये बताया कि इस फोन को आप टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जियो फोन, यहाँ पे इनके कुछ बारकोड्स दिए गए हैं और यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और इसमें क्या कुछ हम फंक्शनैलिटी है वो इसमें दिखाया गया है। जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो इसमें सब कुछ इन्होंने मेंशन किया गया जो कुछ आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। और यहाँ पे इसकी स्पेक्स बताई गई हैं कि 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, फ्रंट VGA, 2000 mAh की बैटरी, 512 MB रैम और SD कार्ड सपोर्ट करता है ये, 128 GB तक 3.5 mm हेडफोन जैक। दोस्तों अब हम बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है। इसके ऊपर एक पॉलिथीन का रैपर था वो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है और अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा जियो फोन। इसके ओवरव्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फ़ोन मुझे लग रहा है। ओब्वियसली हाथ में पकड़ने से, तो एक बार इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या कुछ और मिलता है। ये कुछ एक बारकोड दिया गया है, इसको शायद हम बाद में स्कैन करके देखेंगे कि इसका क्या है। और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये एक इनका चार्जर है, जो इसको ओपन करके देखते हैं इसकी रेटिंग वगैरह क्या है इसमें। ये माइक्रो USB का चार्जर इन्होंने दिया है साथ और कुछ ठीक ठाक क्वालिटी का मुझे ये चार्जर लग रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही है। और इसमें अगर हम कुछ देखें तो इसमें इन्होंने बैटरी डाल के बैटरी दी है जो कि अलग से है, हमें इसे उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। और इसमें कुछ भी नहीं है तो अब हम इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम अपने फ़ोन में बैटरी इंसर्ट करते हैं। दोस्तों फ़ोन खुलने के बाद हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी हमें एक जियो का सिम डाल के दिया गया है जो कि आपको ऑलरेडी इसमें मिलता है और इसको एक्टिवेट आपको करवाना पड़ेगा। अब हम इसमें अपनी बैटरी को लगा देते हैं। और ये हमारा फोन अब चलने के लिए तैयार हो चुका है, इसे हम पावर ऑन करते हैं। iOS का लोगो इन्होंने पहले ऊपर दिया है और ये बूटिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये जियो का लोगो आ चुका है, दोस्तों बैटरी डालने के बाद फोन का वेट थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे, लेकिन बैटरी 2000 mAh की है तो ऑब्वियसली हैवी तो होगा ही, थोड़ा सा तो वजन बढ़ेगा इसका। दोस्तों मैंने फोन को बूट कर लिया है और इसके ओवरव्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें कीपैड मिलता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है टचिंग में और इसके
बीच में ये इन्होंने दिया है वॉइस असिस्टेंट, जो कि ओके जियो हेलो जियो कहने पे एक्टिवेट होता है। और बैक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा और नीचे लाइफ की ब्रांडिंग और एक रुपीज़ का निशान मिलता है। साथ में इसके एक स्पीकर मिलता है और ऊपर इसमें एक टॉर्च दी गई है। नीचे 3.5 mm का जैक दिया गया है। और बात करते हैं इसकी स्पेक्स की, तो सिंपली आपको एक फीचर फ़ोन वाले फीचर इसमें मिलते हैं और साथ में ये इसकी हाइलाइटिंग है जो इसका जियो स्टोर है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा वगैरह सब कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक 4G इंटरनेट का इसमें आप लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा। इसमें जो कुछ ऐप्स दी गई हैं उन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैंने एक जियो सिनेमा को इंस्टॉल कर लिया है, इसको हम चला के देखते हैं किसकी पिक्चर क्वालिटी हमें क्या मिलती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसकी मिलती है। इससे हम अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट करके चला सकते हैं, जो कि इसका एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको बड़े स्क्रीन में ये इन फिल्मों का लुत्फ उठाना है तो आप इसे अपने नॉर्मल टीवी के साथ, ज़रूरी नहीं है आपका टीवी स्मार्ट हो तभी कनेक्ट होगा, नॉर्मल टीवी के साथ इसका एक वायर आएगा, उसका आपको मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने फ़ोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके कीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छी कीज़ इसकी दी गई हैं और इसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। इसके कुछ आपको अगर सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है और इसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।